मैं ये शादी कैसे होने देती? विविधा उस मंडप में रवीश का मंगलसूत्र पहने हुए थी, ये बहुत बहुत गलत हो जाता। विविधा अब भी शादीशुदा है, रवीश की पत्नी है। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। विविधा की शादी रवीश से हो चुकी है और ये बात हम अथर्व को बता ही नहीं सकते। झूठ बोलने का, सब कुछ छुपाने का असर सबकी जिंदगियों पर पड़ेगा। रिश्ते सुलझने की बजाय उलझते जा रहे। दर्द मेरे जिस्म का हो या रूह का, सिर्फ आपके ना होने का है। आप छुएंगे तो दर्द भी दवा बन जाए। बस बस अथर्व, तुम सो जाओ। मैं जानता हूँ कि आप निराश हैं कि आज हमारी शादी नहीं हो पाई, लेकिन अब मैं आ गया हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और जल्दी हमारी शादी भी हो जाएगी। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, जानती हूँ। विविधा, कहने को तो 3 या 4 दिन हो गए, लेकिन मैंने क्यों ऐसा लगता है कि आपके करीब आए हुए कितना आसान हो गए। अथर्व, प्रिया कभी मीलों में, कभी यादों में, तो कभी हालातों में ना पी जाती है, लेकिन हम तो एक दूसरे से दूर कभी इतने गए ही नहीं थे कि हमें हमारी बीच की ये दूरी कभी नापनी पड़े। तुम सो जाओ अभी, मैं तुमसे कल मिलती। किसी को हमारी दूरी भी बर्दाश्त नहीं। सो जाओ तो। गुड नाइट।